दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान, दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। छतरपुर जिले के बमीटा थाने के सामने जनरल स्टोर की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, पुलिस मौके पर पहुंची। अवध बिहारी मिश्रा बमीठा निवासी जनरल स्टोर की दुकान में आग लगने से करीब 20 लाख का नुकसान होने की संभावना। आग लगने से दुकान में जनरल स्टोर कपड़ा बेंटेक्स की ज्वेलरी, जमीनों की रजिस्ट्री, पासबुक, नकदी, रुपए, अन्य सामान जलकर खाक हो गए। अवध बिहारी मिश्रा ने बताया, आग संतोष पांडे एवं पिता रामेश्वर पांडे के द्वारा दुकान के अंदर पॉलीथिन में आग डालकर आग लगाने का आरोप लगाया। दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने मामूली सी कार्रवाई की थी। एसडीओपी खजुराहो मनमोहन सिंह बघेल, टीआई दिलीप पांडे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया। घटना सुबह 5 बजे के करीब की है। पुलिस ने दोनों आरोपी संतोष पांडे एवं पिता रामेश्वर पांडे के खिलाफ नामजद मामला किया दर्ज। कैसी लग गई हो, क्या काम है? आज सवेरे की बात है, 5 बजे की तरफ की सूचना मिली थी कि इनकी अवध बिहारी मिश्रा की दुकान में, कपड़े की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को बुलवाया, आग बुझवाई, और उनकी जो रिपोर्ट थी वो लेक की, जो उनकी रिपोर्ट जो है वो संतोष पांडे और रामेश्वर पांडे उन्हीं को लग रहा है, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने FIR करवाई, जाँच जा रही है। तरीके से कितने का नुकसान हो गया लगभग? उनके अनुसार अब तक 10,000 लाख का नुकसान है। दुकान में भी साड़ियाँ लगी थी और जो सामान था इसका करीब 10,50,000 का।